उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के नवीन कार्यालय के सभागार में नगर निगम के अधिकारियों के साथ जन सूचना के संबंध में बैठक किया गया। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने राज्य सूचना आयुक्त को बुके देकर उनका स्वागत किया। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम जिस प्रकार शहर की छवि को बेहतर करने के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार नगर निगम में प्राप्त जन सूचना के आवेदनों के निस्तारण करके राज्य सूचना आयोग में अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण 30 दिनों के अंदर कर दिया जाए तथा जन सूचना अधिकारी सूचना देते समय स्वयं को आवेदक के स्थान पर सोचकर कार्य करे तो कार्य और भी अच्छे से संपादित होगा। उन्होंने कहा कि अपने मूल काम के साथ साथ जन सूचना का कार्य भी करना है। यदि आवेदक को सूचना देने में विलंब होता है तो राज्य सूचना आयोग गंभीरता से लेता है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो सूचना जिस रूप में है उसी रूप में दिया जाएगा, कहीं से सूचना का सृजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम के लंबित 228 प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश देते हुए नगर आयुक्त से कहा कि जोनलवार जन सूचना अधिकारी तैनात किए जाए। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इस अवसर पर नगर आयुक्त ने राज्य सूचना आयुक्त को स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी एवं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए नगर निगम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ संपादित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सहित जोनल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा, हमारे सारे सर हमारे यहाँ ट्रांसफर बहुत हो गया है, आना तो चाहिए कि साथ को भी इसमें महिला है ना, इसलिए थोड़ा महिलाओं के साथ अपनी अपनी दिक्कतें हैं, तो कम बहुत आप पैसा है आदि स्वागत करता हूँ। आज नगर निगम में जो प्रार्थना पत्र आए हैं और उनके सापेक्ष जो प्रार्थना पत्र में सूचना मांगी गई है, किस प्रकार से यहाँ पर सूचनाएँ दी जा रही हैं, कितनी हमारी पेंडेंसी है आदि के संबंध में सर समीक्षा करेंगे। लेकिन समीक्षा से पहले मैं सर को एक इसके अलावा सर मैंने अपने यहाँ के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं सर, जहाँ जीरो टॉलरेंस में इसके बारे में बताया, फिर वहाँ ये भी कहा कि हमको ये भी देखना है कि सर जितनी भी हमारे पास जो भी शिकायतें आती हैं उन शिकायतों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का सर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए सर। और हमने कहा कि जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं सर, हमने हर चीज़ को जो बंद कर रखा है, कोई कुछ भी मांगे, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ सही है उसको तो आप तत्काल उसको उपलब्ध करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास
ऐसी कोई चीज़ सर छुपाने लायक नहीं है, इसको कहते हुए मुझे बहुत सर गर्व होता है सर कि हम जो आए हमारे पास तो जो भी आता है सर, हम कहते हैं मेरी जो फाइल देखना चाहो, जो तुम टेंडर का कैसे हुआ है, कितना आपका इस्टीमेट है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है। और हमने सर यहाँ पर एक पब्लिक ऑडिट की व्यवस्था भी शुरू कराई है सर कि जैसे कोई पब्लिक आती है या किसी उनके डिमांड पे हम लोग सर एक कोई सड़क बना रहे हैं तो सड़क बनाते समय सर शुरुआत में अगर हम लोग जाते हैं, जब बीच में सड़क बनती रहती है सर तो भी हम जाकर वहाँ पर पब्लिक से ये पूछते हैं कि जो हमारा ठेकेदार काम कर रहा है, हमारा JEE मौके पर आता है कि नहीं सर, और जो मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो उचित गुणवत्ता का है कि नहीं सर। इसकी वजह से हम लोगों ने और सर एक बार अभी कुछ दिन पहले सर हम लोग सड़क बनाने और जा रहे थे, नगर निगम का सर एक प्रयास रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षाओं पर और उसी के प्रति जन अपेक्षाओं पर, क्योंकि सर ये हम सभी अधिकारियों को ये भी बताते हैं कि सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सर विधानसभा की वो यहाँ से सर निर्वाचित हुए हैं तो इसलिए हमारा दायित्व जो है और अन्य जगहों के अधिकारियों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। और सर कई बार ये भी होता है कि सर जैसे पोलिटिकल सिस्टम में आप जानते हैं क्योंकि CM सिटी है, सबकी निगाहें यहाँ पर लगी रहती हैं तो छोटी से भी इशू को सर यहाँ कई बार ये भी देखने में आता है कि बड़े करने को का प्रयास किया जाता रहा है। 2022 से आज तक मतलब इस वित्तीय वर्ष में हमारी क्या होती है तो सर जो प्राप्त हुए हैं सर 35 लंबे हो सर, और इसमें सर जो प्रथम अभी जो कि हमारे जवाब पे जो लोग संतुष्ट हैं ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या 3 है जो कि सर हम सर इस वित्तीय वर्ष में 21-22 में सर उस शब्द को निखारने का पिछली बार जब आया था तो जिले की बैठक थी, जिले की बैठक के बजाय साथ साथ वो महाराजगंज की बैठक थी, सभा आने की भीड़ बहुत थी, तो बता रहा था उन्होंने बताया अधिकार भी थे। बाद में मुझे ये लगा कि जो जन सरोकार से जुड़े विभाग जैसे नगर में राजेश विकास स्वास्थ्य इनकी अलग अलग समीक्षा बैठक है, उस कड़ी में जो है आज नगर निगम की बैठक सोमवार को 3 प्रमुख विभागों की बैठक है, राजस्व ग्राम विकास क्योंकि यही 4 विभाग स्वास्थ्य को मैंने एक बार नहीं छोड़ा है, आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट करें शिक्षा है स्वास्थ्य है समीक्षा बैठक का उद्देश्य नगर निगम के प्रमुख अधिकारियों के भीतर यह एहसास दिलाना कि जो सूचनाएं उनसे मांगी जा रही हैं जनहित में उन सूचनाओं को 30 दिन के भीतर डिलीवर कर दें और जेन्युइन RTI को गंभीरता से लें ताकि काम में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार कम से कम हो या न हो। इसमें नगर आयुक्त भी आए, अपर नगर आयुक्त भी आए, उप नगर आयुक्त भी आए, कर अधीक्षक से लेकर सारे प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे और हमारे जो RTI के बारे में हमने बताया उसको बहुत गंभीरता से सुना और ये आश्वस्त किया कि पहले से और ज़्यादा सतर्क रहेंगे और कम से कम जेन्युइन RTI जो न्यायोचित RTI है उसका समय से जवाब देंगे और कोशिश ये करेंगे कि काम काज में सर्वाधिक पारदर्शिता आए और यही हमारे बैठक का उद्देश्य भी था।